विनीता के साथ आइए देखते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरें। धूमधाम से मनाया गया संत तुकाराम महाराज जन्म जयंती कार्यक्रम, भजन कीर्तन के साथ निकली भव्य पालकी यात्रा। पानसिमल सर्व कुंबी पाटल समाज तहसील पानसिमल के द्वारा तुकाराम महाराज की जन्म जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पालकी यात्रा गायत्री मंदिर से प्रारंभ होकर मेन रोड होते हुए देवदर्शन कॉलोनी में पहुंची। यात्रा में धार्मिक भजनों पर युवक युवतियों ने जमकर नृत्य किया एवं फुगड़ी भी खेली गई। समाजजनों द्वारा पालकी यात्रा में सिर पर महाराष्ट्रीयन टोपी सर पर धारण की गई। पाटिल समाज के साहेबराव पाटिल ने बताया कि तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के महान संत और कवि थे। महान संत तुकाराम महाराज के जन्म 17वीं सदी में पुणे से देहू कस्बे में हुआ था। उनके पिता छोटे से कारोबारी थे। उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। वे तत्कालीन भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ हैं। उन्हें तुकोबा भी कहा जाता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा उनके जीवन के बारे में जानकारी भी दी गई। नगर में प्रथम वर्ष संत तुकाराम महाराज जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या क्या आयोजन किए जाएंगे कार्यक्रम के दौरान? कार्यक्रम में सर्वप्रथम पालकी का आयोजन किया गया। तुकाराम महाराज की गायत्री मंदिर से देवदर्शन कॉलोनी तक तुकाराम महाराज की पालकी निकाली गई, जिसमें तहसील पानसमल के सभी कुणबी पाटिल समाज के सभी लोग उपस्थित थे। महिला मंडल भी उपस्थित थी और अच्छे से यह समापन हुआ है। इसके पश्चात अभी यहाँ भोजन का कार्यक्रम है, उसके पश्चात यहाँ कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, जिनका नाम है श्री वामन महाराज लामकनिकर। इनके मुखारविंद से यह कीर्तन आयोजित किया गया है। अतः सभी धर्मप्रेमी जनता का अच्छे से हमको सहयोग प्रदान हुआ है। ये प्रथम वर्ष था तो भी अच्छे से पालकी का समापन हुआ है और अच्छे से हमको प्रोत्साहन मिला है। इसके सभी समाज बंधुओं ने अच्छे से हमको सहयोग किया है। जय हरी। मेरा नाम जितेंद्र शंकर शिंदे। धन्यवाद।